में ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उनके पर बोलते हैं और जमाने में अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। आयोजन के लिए बड़ा मेहनत की है हमारे की सोच करी राजवीर त्रिपाठी जी की पूरी टीम पूरे हलके की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सजग संसार और अभी फिलहाल शिवानी के पास जो भिवानी जिले के अंदर है नलोई गांव के अंदर मौजूद हूं और यहां पे एक नेशनल लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े ही कर्तव्य दिखा रहे हैं और गांव के भी सभी लोग जो हैं वो यहां पे मौजूद हैं और तस्वीरों के अंदर अपने गेम की तस्वीरें देखी हैं हमने, बच्चों की दिखाई कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देखा अपने कि अपना कर्तव्य दिखा रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के अंदर कबड्डी के प्रति इतना प्रेम है क्योंकि जिस प्रकार से प्रो कबड्डी जो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं और बाहर के खिलाड़ी हैं जिन लोगों को आप लोग देखते हैं बड़ा ही एक अलग ही रोमांचक भरा होता है और सभी बच्चे जो हैं बड़े ही उत्सुकता के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर ये खेलने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे माताएं बहनें जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं। खास करके हरियाणा के अंदर विलुप्त तो होते जा रहे थे क्योंकि जो हमारे परंपरागत खेल थे जिन खेलों के प्रति जो लोग हैं वो पहले एक टीम हुआ करती थी हर गांव के अंदर लेकिन आजकल वो टीम जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन ऐसे परंपरागत खेलों को जो गांव जो है वो जीवंत रख रहा है वाकई मैं काबिले तारीफ कहना चाहूँगा क्योंकि एक क्रिकेट की तरफ जो है एक सभी लोग जो हैं वो एक बनते हुए जा रहे हैं लेकिन जो कबड्डी की बात करूँ या फिर वॉलीबॉल की बात करूँ या फिर खो खो की बात करूँ ऐसे अलग अलग गेम हुआ करते थे जो हर गाँव के अंदर हुआ करते थे और हर व्यक्ति जो है वो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। लेकिन आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें जो हैं वो पूरे इस प्रोग्राम के अंदर खचाखच यहाँ पे भरे हुए हैं और उधर से मैं तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा कि आज के जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राजवीर सिंह फलटिया जी जो पहुँचे हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो लोहारू के अंदर एक समाज सेवा के रूप में अपने एक छाप छोड़ चुके हैं जो हर एक एक्टिविटी के अंदर देखे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बच्चों से बातचीत करते हैं कि ये बच्चे कहाँ से हैं। बेटा क्या नाम है? प्रिया। कहाँ से? कुंगड़ से। कुंगड़ से। अच्छा कितने टाइम से आप खेल रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो कबड्डी में आप खेले हो कैसा लगता है कबड्डी खेल करके? अच्छा लगता है और ये सभी को खेलना चाहिए। अच्छा, किसने आपको प्रेरित किया खेलने के लिए कबड्डी के प्रति? पहले तो गुरुजी ने किया था और फिर पेरेंट्स ने किया था। कहाँ कहाँ खेल के आए हो अपने 4 साल के अंदर? बहुत सारी जगह खेल के आई हूँ। परसों ही हम खरकड़ी गए थे खेलने के लिए 55 केजी की टूर्नामेंट थी। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे आप गेम हो चुका है आपका? नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो उत्सुक होंगे आप जीत के जाएंगे? हाँ। ऐसा लगता है। तो ये तस्वीरों में बच्चे से बातचीत की हमने और अलग ही इनके अंदर जोश है। छोटे छोटे और भी बच्चे हैं यहाँ पे, इन बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि ये बच्चे कहाँ से हैं। बेटा क्या नाम है? ज्योति। ज्योति कहाँ से? कुंगड़ से। कुंगड़ से? कुंगड़ की टीम आप? तो अभी आपका मैच होने वाला है आपका? यस सर। तो कितने साल के हो आप? मैं 13 साल की। 13 साल? कितने साल का स्टार्ट किया था खेलना? मेरे को 2-3 साल हो गए खेलते। 2-3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो क्यों स्टार्ट किया आपने खेलना कबड्डी? मेरा कबड्डी में खेलने का मेरा मन होता था, तब बच्चे जाते थे तो मेरा मन करता था मैं जाऊं, तो इसलिए मैंने भी शुरू किया और खेलते हुए मेरे को मज़ा भी आता है और कबड्डी में बहुत अच्छी भी हूँ। तो प्रो कबड्डी देखा है आपने? हाँ, देखा है। तो इसमें कौन से प्लेयर आपका फेवरेट है? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल, तो उनका रेडिंग करने का तरीका होता है, उसको फॉलो भी करते हैं आप? यस। हाँ बेटा, क्या नाम है? निधिका। निधिका कितने साल के हैं? 13 साल के। 13 साल। तो आपने कितना टाइम स्टार्ट किया खेलने? खेलने में 3 साल हो गए। तो आप किसकी भूमिका निभाते हैं, रेडर की या फिर? दोनों की। तो ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों से हमने बातचीत की है और बने रही होगा एक बार एक प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे वर्गा की दौड़ करवा रहे हैं, हमने कौन उठाया था करते हैं? राजवीर भाई नहीं उठाया है। अच्छा, आज तो पहले के दौड़े को नहीं? नहीं, इनके आने के बाद ही हम दौड़ लागे, हर गाँव में जाते हैं।
तो मतलब इनके आने के बाद ये पता चला होगा कि भी महिलाएं भी दौड़ सकती हैं, महिलाएं भी आगे जा सकती हैं, हर गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे लेके जा रहे हैं। तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतिया भाई साहब का, और हमारी वर्ग में जागरूकता करी है, गरीबों को मान सम्मान दिया है, कन्यादान दिया है सबको, और हमने नहीं बढ़ाते रहे आगे। मटका दौड़ में फर्स्ट पोजिशन आई है सर, पहली बार इससे पहले नहीं, मैं हर जगह जाती हूँ, जो जब भाई पूछते हैं वहीं जाती हूँ। अच्छा, फैन अच्छे से बने हुए जी चेयरमैन साहब, नहीं तो हर जगह फर्स्ट आओ है। तो किस प्रकार से कहना चाहेंगे जो लड़कियां हैं वो गेम कर रही हैं, महिलाएं हैं आगे आ रही हैं, जहां जाते हैं इस प्रकार का जनसैलाब जुड़ जाता है, प्यार बढ़ता हुआ जा रहा है दोबारा से। क्या मेरे को तो थोड़े से तीन साल के अरसे में मैं देख रहा हूँ, आज देख रहे हो आप सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, और जो कि जहाँ खेलों से हमारा भाईचारा बढ़ता है, आपस का तालमेल बढ़ता है, नौजवान साथियों का चाहे वो शारीरिक उसकी बात हो, चाहे उसकी कोई नौकरी लगने की बात हो। हम कल वहाँ पर दूसरे गांव में भी थे, डाणा गांव में वहाँ पर गांव वालों ने बताया कि चेयरमैन साहब आपका जब से ये ग्राउंड आपने तैयार करके दिया था, और वो ग्राउंड भी जो हमने एक साल पहले तैयार किया था वो इतना बढ़िया अच्छे तरीके से उन नौजवान साथियों ने तैयार कर रखा था, और उस ग्राउंड में खेल करके दो बच्चियां नेशनल खेल के और वो मेडल लेकर के आई हैं, तो मेरे में इतनी बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आज यहाँ सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में, चाहे नौजवान साथियों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात करें, अभी देख रहे थे जो कबड्डी हो रही थी, छोटी छोटी बच्चियां जो कि कबड्डी खेल रही थी, तो आने वाले टाइम में एक ये मिसाल के तौर पर हल्का लुहारू में देखने को मिलेगा, और इससे हर गांव में भाईचारा बढ़ेगा, और इसी में मेरे को खुशी मिलती है। और मैं गांव वालों से, युवा क्लब से भी ये अपील करूंगा कि इसी तरह से इस कर्म को आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, एक चीज़ और भी देखने को मिली थी कि ग्राउंड तो विलुप्त तो होते हुए जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर सभी लोग आ रहे थे तो सिर्फ कोई मंत्री की बात सुनने के लिए, या फिर कोई नेता लोग जब आते थे तो गांव के चौक के अंदर बुलाया जाता था। लेकिन एक बात यहां से देखने को मिली है कि चेयरमैन साहब लगातार पिछले तीन साल से जब भी आते हैं तो खेलों के अंदर मैदान के अंदर आते हैं, और वहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे जो पहले के जो खेल थे वो भी ख़त्म होते जा रहे थे, लोगों का आपसरी भाईचारा जो है वो भी नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन इस प्रकार के खेलों को करवा करके जो महिलाएं भी आगे आ रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी लोग आगे आ रहे हैं, बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो कैसा लगता है जब इन बच्चों के बीच में जाते हैं? तीन साल पहले जब दैया साहब मैंने शुरू किया था तो मैं देखता था नौजवान साथी आते थे, सिर्फ डिमांड करते थे क्रिकेट की, बिल्कुल क्रिकेट खेलना है, और मेरा सबसे पहला जो सवाल होता था उनसे एक ही होता था कि आप क्रिकेट एकदम तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे जो पुराने परंपरागत जो खेल थे, जो चाहे कबड्डी थी, कुश्ती थी, या हमारे जैसे मटका दौड़ थी, महिलाओं की दौड़ थी, बुजुर्गों की दौड़ थी, जवानों की दौड़ थी, और वो खेल इन्होंने शामिल करने शुरू किए। अगर हमारी बहन बेटियों की आज ये कार्यक्रम नहीं होता, कबड्डी नहीं होती, मटका दौड़ नहीं होती, तो ये नहीं आती है, कोई नहीं आता। सही, हाँ। और देखा भी होगा पिछले तकरीबन मैं तीन साल पहले जब जाता था तो कोई महिला, मेरे ख्याल से एक दो कहीं देखी होगी तो देखी होगी, इतनी सैकड़ों की संख्या में बच्चे नहीं आते थे, ना महिलाएं आती थी। और उसका परिणाम, ये बहन मेरे साथ खड़ी है, मैं देखता हूँ इसको हर गांव में ये पहुँच जाती है कि जहाँ भी राजवीर फरटिया का नाम आता है तो सबसे बड़ी जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, खुशी उसमें जो मिलती है वो ये मिलती है कि गोपालवास में देखा होगा, रैलियाँ बहुत देखी होंगी, लेकिन हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने वहाँ पर हाजिरी देख करके, पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा होती है कि महिलाओं की पुरुषों से भी ज़्यादा जनसंख्या थी, और वो भी सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक उन व्रत रखे अपने भाई और बेटे के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल के तौर पर हरियाणा में हल्का लोहारू का नाम चलता है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे थे चेयरमैन साहब, जो पीछे तस्वीरों में आप लोग देखते रहते हैं, हर एक्टिविटी के अंदर देखे जाते हैं, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके अंदर भी अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हुए थे। कुछ गांव के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे प्रसाद, नमस्कार। नमस्कार जी। इस प्रकार की प्रतियोगिता करवा करके जो भाईचारे का एक अलग ही संकेत है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ऐसी प्रतियोगिताएँ होने से हमारे समाज के अंदर आपसी जो प्यार प्रेम है, भाईचारा है, वो कायम रहता है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, और हमारी जान पहचान भी बढ़ती है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है।
चेयरमैन साहब खेलों को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं खेलों के लिए जो महिलाएं आगे आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? महिलाएं आगे आ रही हैं और हमारे समाज सेवी भाई राजवीर जी फरटिया भी हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, सबको सहयोग कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक भगवान रूपी योद्धा है, चाहे हम गौशाला की कोई बात करें, कोई मैदान की बात करें, कोई नारी सम्मान की बात करें, कीर्तन जागृत की कोई बात करें, तो ये हमेशा आगे रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और हम यही कहेंगे कि ये समाज से भी हमारे लिए गेम खेलते हुए की दिखी और गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि ऐसा कैसा लग रहा है उनको, तो काफ़ी लोग जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। जी राम राम। राम राम जी। राम यही गाँव है। हाँ जी यही गाँव। तो बच्चों का जो गेम होया है कबड्डी की नेशनल प्रतियोगिता हुई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया लगे जी, ऐसे हर साल होना चाहिए, इससे बच्चे भी थोड़े से मतलब खेलों के साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बच्चों में प्रोग्रेस होगा। ये भाई लड़की है जी, अच्छा अच्छा। ये एक गुड़िया है जिसका नाम हम पूछते हैं। हाँ बेटा क्या नाम है? हाँ जी मेरा नाम ऋतुराज। ऋतुराज कहाँ से हैं? यहीं से, यही इसी गांव से। तो आप कहाँ खेल के आए हैं आप? मैं गुजरात नेशनल में माउंटेन रेस होती है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। माउंटेन रेस होती है, कितने किलोमीटर की होती है? सर वो उसमें स्टेयर्स होती है, 400 मीटर की रेस के बाद ऊपर माउंटेन पे स्टेयर होती है, 2200 अप एंड डाउन और फिर वो 400 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है दोबारा। तो जब नेशनल खेल करके गांव के अंदर आते हैं कैसा लगता है, और जब बाहर आप बाहर जाते हैं तो कैसा लगता है? सर इट वाज रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय पेरेंट्स, एंड मतलब जब अपना स्टेट का नाम लेते हैं दूसरे स्टेट में तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे जब गांव में आते हैं स्वागत करते हैं गांव वाले, तो मतलब एक जोश जो अपने अंदर आता है वो एक नई ऊर्जा, बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग आती है। जब शायद एक व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है उस चीज़ को पाने के लिए कि जब गांव के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर स्टेट के अंदर अपने नाम से कोई पहचान होती है, जब आपके गाँव के अंदर आपका नाम लिया जाता है तो एक अलग ही पहचान बन जाती है। और फिर सर मतलब दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे मेडल जीत के लाएं और हमारा भी ऐसे ही स्वागत होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे थे, गुड़िया है, नाम आपने ऋतुराज बताया और नेशनल खेल करके जो माउंटेन रेस होती है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीत करके आती है, और जब गांव के अंदर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बच्चे निकल करके आते हैं जो गोल्ड मेडल जीतते हैं और अपने ही क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हमने बात। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। तो बेटी है आपकी बाहर खेल के आई है, गोल्ड जीत करके आई है, तो क्या कहना चाहेंगे बेटे के बारे में और कैसे इसको आपने आगे प्रेरित किया इसके बारे में? देखिए जो बच्चे का हौसला और जज्बा है और माँ बाप को चाहिए कि उसके जो है ना उसका हौसला बढ़ाए, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे। समाज के अंदर बेटा और बेटी का समान अधिकार है और मतलब एक बच्चे में ये फीलिंग जाएगी कि माँ बाप हमसे जो है ना बेटा बेटी का कोई भेदभाव नहीं कर रहा। और आज जो है ना लड़कियां अपने हर क्षेत्र के अंदर जो है ना लड़कों से अग्रसर भी हैं, तो माँ बाप का एक फ़र्ज भी है उनकी हर मतलब ज़रूरत को और उसके हर टैलेंट्स को उभारने की ज़रूरत है। अगर उनका साथ रहे तो बच्चा मतलब अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। हाँ, सबसे बड़ा परिवार, सबसे पहला परिवार अभिभावक ही होते हैं। माता पिता जब बच्चे को समझ जाएंगे, बच्चा कुछ करना चाहता है और अभिभावक उस चीज़ के लिए उसको अग्रसित करेंगे कि आगे आपको जाना चाहिए, तो वो बच्चा कभी पीछे नहीं जा सकता है। जैसे ही आपने प्रेरित किया बच्चे को तो वो खेल करके आई है और ऐसे ही बना देते रहेंगे तो शायद हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये नेशनल खेल करके, नेशनल तो अभी खेला ही है इन्होंने, तो ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ जगह जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने एक मुहिम शुरू की है अपने बेटी को बेटे से बढ़ करके आपने दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं, तीन लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा। एक लड़का है, छोटा है। ये छोटी छोटी है क्या? हाँ ये छोटी है, छोटी छोटी है। हाँ तो पढ़ाई में भी साथ साथ में पढ़ाई? हाँ सर, साथ साथ पढ़ाई कर रही है। इससे दो बड़ी लड़कियां हैं, इससे बड़ी है वो हरियाणा पुलिस में है और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया उसने। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे बड़ी है वो ना इंग्लिश से एमए किया है, अभी वो तैयारी कर रही है। तैयारी कर रही है।
तो धन्यवाद। ये तस्वीरों में आप देख रहे थे अंकल जी से हमने बातचीत करी अपने बच्चों के प्रति, ना बेटे में ना बेटी में कोई अंतर समझा इन्होंने और अपनी बेटी को प्रेरित किया। और गांव की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता थी आपने और हमने लोगों से बातचीत किया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।